ने देशखबर 24 और वक्त है खबरों का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक आवश्यक बैठक कल रीवा में आयोजित की गई। बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा राम मंदिर धर्म न्यास ट्रस्ट अयोध्या से देश भर के 11 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ने का निर्णय लिया है। बजरंग दल के नगर मंत्री सुमित डिगवानी ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से पधारे केंद्रीय मंत्री गौरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद लाल बहादुर सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया है कि देश भर के करोड़ों हिंदू परिवार के लिए यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि भगवान श्री राम की भव्य मंदिर का निर्माण का संकल्प एक एक कदम आगे बढ़ा है। मंदिर निर्माण को जनमानस से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कार्यकर्ता में पूरे देश में बसे 11 करोड़ हिंदू परिवारों से धन संकलन कर श्री राम राम जन्मभूमि धर्म न्यास ट्रस्ट से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को आयोजित हुई विश्व हिंदू परिषद की पहली बैठक के निर्देशानुसार इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर श्री राम मंदिर अयोध्या से जनमानस की भावनाओं को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत से भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद और उसका एक प्रमुख आयाम तरुणों का बजरंग दल एक ऐसा काम आया है जो वास्तव में हिंदू संस्कृति के आदर्श रहे भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में एक भव्य मंदिर निर्माण हेतु हिंदू समाज या दुनिया में कहीं भी रहता है उस समाज का सबका उसमें योगदान रहे। इस निमित्त अपनी केंद्रीय टोली ने ये तय किया है कि हम उसके लिए धन का संकलन करेंगे, किंतु ये धन का संकलन विश्व हिंदू परिषद तो करेगा, उसमें बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और जितने आयाम हैं वो सब लगेंगे, लेकिन उसका रख रखाव, उसका ऑडिट यानी उसका हिसाब किताब जो जन्मभूमि धर्म न्यास ट्रस्ट है वही करेगा। इस निमित्त हम लोग हिंदू समाज के 11 करोड़ परिवारों तक जाएंगे और 11 करोड़ परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ करके उनको भगवान राम के नाम से एक जागरण का अभियान चलाएंगे। इसके अलावा भी विश्व हिंदू परिषद को आत्मनिर्भर भारत बनाने के निमित्त भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को भी वो पूर्णतः शत प्रतिशत पालन करने के लिए तत्पर है और उसने अपनी योजना बना ली है। उस योजना का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद का जो गोरक्षा विभाग है वो करने जा रहा है। इसके निमित्त एक केंद्र में दिनांक 13 तारीख को बैठक हो चुकी है, उसका पूरा प्रॉस्पेक्टस बन गया है। अब उस प्रॉस्पेक्टस के आधार पर किन बिंदुओं में हम किस कितने चरणों में आगे जाएंगे, आगामी आने वाले इस तरह के विविध कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद को करने पड़ते हैं, चाहे वो वर्तमान में एक नया विषय भी आ गया है लोगों के ध्यान में जिसको हम हलाल मनी के नाम से जानते हैं, उस हलाल मनी को किस तरह से अपने देश के अर्थव्यवस्था से बचाया जाए, उसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने एक हलाल मंच, जागरण मंच का निर्माण किया है, वो उस दिशा में काम करेगा। ऐसे वर्तमान में 3 क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए धर्म, धर्मांतरण और परावर्तन तथा विश्व हिंदू परिषद के जो अन्य बिंदु हैं जैसे लव जिहाद, सेकुलरिज्म के खिलाफ हिंदुत्व की भावनाओं को भड़काना तथा हिंदुओं के प्रति अपमानित करने के जितने षड्यंत्र इस देश में अभी तक चलते रहे हैं, उन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ पूरे समाज को खड़ा करने की जवाबदारी विश्व हिंदू परिषद ने ले रखी है, उसको पूरा करने का भी दायित्व वो पूर्ण करेगा। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।